अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली का। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और जी अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं, खैरियत से हैं। तो बस अभी अभी मैं स्कूल से आई हूँ और बहुत भूख लगी हुई थी, यकीन करें बहुत भूख लगी हुई थी। क्या हुआ कि मैंने रात को भी खाना शाम को खाया था आके स्कूल से थोड़ा देर से, तो मैंने रात भी खाना नहीं खाया और सुबह भी नाश्ता बस चाय बिस्किट पी इधर भी और स्कूल में भी। तो फिर अभी अभी आई हूँ, यकीन करें इतना पेट में पता नहीं क्या अजीब सा वो कहते हैं ना खो पड़ रही थी मुझे, और ना पेट में चूहे दौड़ रहे थे बहुत ज़्यादा था। तो फिर मैंने ना किया है कि जी जी भाई को बोलो, भाई को बोलो। तो ये अब इसने मैंगो खाए हैं, मैंने भी आते ही पहले क्या किया है, बहुत अजीब सी मेरी हालत हो रही थी। मैंने फटाफट पहले मैंगो था मेरे पसंद का था, मैं खाती हूँ थोड़े सख्त वाले मैंगो ना, वो सख्त वाले थे, खट्टे मीठे थे। मैंने फौरन एक मैंगो पहले मैंने काट के खाया है, बाकी तो बाद में देखेंगे। ये मेरी चादर भी देखें, मैंने ऐसे ही रखी हुई है, आके शाल उतार दी हुई है, मोबाइल चार्जिंग पर लगाया है और फौरन आके मैंने जो है ना थोड़ा सा अपने पेट को पेट पूजा की है। अब देखती हूँ, अन सब कॉल पे लगा हुआ है, देखती हूँ। और अशद भी कहने लग गया, वो तो महंगे को शकीन है, उसको दिया काट के। अब देखती हूँ बाकी अन सब क्या कहता है, खाना वाना खाना है नहीं खाना है क्या करना है। तो हुरैन तो थोड़ी देर से आएगी, शुक्र है कि हमारी लाइट भी आ गई है अभी अभी मेरे बात करते करते इंटर करते आई है। तो जी यहाँ से हम ब्लॉग का स्टार्ट हमने ये किया है और देखते हैं अब आगे कंटिन्यू करते हैं, आपसे शेयर करेंगे। मैंने कुछ एक दो पार्सल हैं वो भी खोलने हैं, एक दो हैं, देखें आज खोलती हूँ या कल खोलती हूँ। और क्या करना है कि बाकी आज क्या पकाना है और क्या रूटीन है, जो कुछ भी है आपसे शेयर करूंगी। आप लोग मेरी वीडियो को ना भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थोड़ा सा टाइम रह गया है, बस थोड़ा सा मोनेटाइज का आप करवा दें। और अशद लग गया है मोबाइल पे कि देखिए मैं मोबाइल इसका छुपा के गई थी, वरना ये सारा दिन लगा रहता है, मैं इसका मोबाइल छुपाती हूँ। तो बस आया है तो मैं आई हूँ, तो इसने मुझसे मांगा है, फिर मैंने इसको दिया है, थोड़ी देर दूंगी फिर मैं इसे ले लूँगी। आपने होमवर्क किया कि नहीं, मैंने करवाया है जी, बोलो करवाया है ना। चले जी ठीक है, खिला दूँ ना, टिक्की बड़ी सी बन जाएगा ना, वरना लड़ोगे आप और अशर। सब जुकाम हो गया मुझे लग रहा है ना, दवाई लो ना टाइम से, फिर ज्यादा मसला बन जाएगा। जी सब सुबह को उठता नहीं है, सुबह को नाश्ता करता नहीं है, और इस टाइम इसको नाश्ता चाहिए होता है। जब मैं आती हूँ तो डेली इसका यही काम है कि जी पराठे बनाओ। अब ये अनसब का पराठा छींके बछींके आती जा रही है, ये अशस का पराठा, और मैं कह रही हूँ सालन पड़ा हुआ खा लो, कहते नहीं मुझे अंडा बना के दो। मतलब कि अब ये तकरीबन मैं मुझे आते आते पौने तीन बज जाते हैं, ये पौने चार का टाइम है। अब ये इसका नाश्ता है, और सुबह को बाद में उठता है और चाय बिस्किट बस पी लेता है। मैं बड़ा कहती हूँ कि रोटी खाओ सालन के साथ, तो नहीं इसने जिद करके अंडा बनवाया है और पराठे बनवाए हैं। अभी हुरैन भी आ गई है, लेकिन हुरैन कह रही है मैं नहीं खाना, अब मैं पराठे मेरे बना रही है, अभी अंडा बना के तो देती हूँ और ये लोग नाश्ता करें। बहुत मुझे ना मसला आज हो रहा है मैदे का, मैंने टैबलेट नहीं खाई, तो अब मैं टैबलेट निकालती हूँ। अब आप लोगों ने भी कहना है कि वैसे जी मैंने बना के रखा हुआ है अपना पराठा, बच्चों ने खाया, क्या करूँ मेरा भी दिल कराता है, तो मैंने बनाया हुआ पराठा वैसे, लेकिन मेरे मैदे में ना आज थोड़ा जलन सी हो रही है। तो अब मैंने कहा खाना खाने से पहले बस मेरा खाना भी ठंडा हो गया, बिल्कुल मेरा खाना ठंडा हो गया। कस्टमर आ गई मेरी एक देने को रिकवरी, और ये मैं खाती हूँ राइजक। बहुत ज़्यादा मैदे का मसला हो गया है, जलन हो रही है, ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ खा लूँ, क्योंकि कुछ कुछ ना कुछ चीज़ें खा हो जाती हैं, चाय पी लेती हूँ। और फिर मैंने वो किया है क्या पराठा खाना है, इससे पहले कि मैं ना ये टैबलेट ले लूँ। अब मौसम कुछ चेंज हो गया है ना, तो ज़्यादा पानी नहीं पिया जाता ना, इसे पानी पीना चाहिए। मैं क्या करूँ, वैसे कुछ लोगों की आदत है लेकिन मेरी आदत नहीं है, मुझसे पानी गर्मियों में तो पी लेती हूँ काफ़ी, जैसे ही थोड़ा सा मौसम सही होता है ना तो बस मैं पानी बहुत कम कर देती हूँ। मैंने बना के रखा हुआ पराठा वो हो गया ठंडा, और मैंने कहा मैं आपको एक बात बताते चलूँ, मैंने पार्सल रात दो खोले थे, अनबॉक्सिंग की थी एक चीज़ का पार्सल की, मैंने वीडियो डाल दी है, एक मैंने नहीं डाली, वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, तो इसलिए मैंने वो क्लिप मैंने कट कर दिया। वो अब मैं आज की वीडियो में ऐड करूँगी कि मैंने दूसरा पार्सल कौन सा खोला है। तो मैंने कहा मैं अपने बहन भाइयों को अपने फैमिली को बता दूँ,
कितना मुझे पसीना आया, पंखा बंद किया हुआ है वरना फिर आवाज़ सही नहीं आती। पंखा बंद किया हुआ है हमारे शहर में, अब बारिशों के बाद तो डबल गर्मी आ गई है, शदीद गर्मी है। सारे डाल लेती हूँ, अच्छे बनेंगे पकौड़े। आज ही हम बनाने लगे हैं पकौड़े, बरसात का मौसम हमने गुजार दिया बस सोचते सोचते करते करते, तो आज हमें दिल किया है कि जी बनाएं पकौड़े। ये सामान सारा मैंने काट के रखा हुआ है, तो मैंने कहा जल्दी से पकौड़े बनाएं। और बुरहन ने जो है चटनी बनानी हुई है, अब उसका रायता बनाना है। अब मैं बस मैं सब कुछ डालती हूँ, पता है आप लोगों को क्या क्या करना होता है इसमें। बड़ी परात बनानी है मैंने, ज़्यादा बन गया मुझे लग रहा। तो अब मैं है ना पकौड़े हाथ से डालती हूँ, देखती हूँ डलते हैं कि नहीं। देर हो गई है, गैस हमारी बहुत जल्दी चली जाती है, तो मैंने अब बड़ा ही फ्राई पैन लिया है, वरना मैंने दूसरा लेना था नॉन स्टिक वाला, वो थोड़ा छोटा है। ये ओल्ड इज़ गोल्ड, ये सही बात है, ये पुराना है मेरे जहेज का, ये बड़ा है वो ख़राब किया है, लेकिन इसमें जो है ना ज़्यादा चीज़ आ जाती है, इसलिए मैं कितना इसी में डाल रही हूँ। आग स्लो कर दूँ, थोड़ी ज़्यादा लग रही है। सबको कहें कि सबसे पहले जो है ना, ये पहले बैच में से फूफू को दिया है, वो फिर खाना वगैरह जल्दी खा लेते हैं, तो उन्होंने हमने तो जी खाने की सारे की जगह पे ये बनाए हैं, जिसने रोटी खानी होगी इसे खा लेगा, तो नहीं तो नहीं। वैसे मुझे पता है कि मेरे बच्चों ने तो पकौड़े ही खा लेने हैं रच के, इन्होंने खाने ही नहीं है ना। और जी चलो मन सबको प्लेट में डाल के देती हूँ, ये उनके घर दे आए, फिर बाकी वाला जो हम रखेंगे दूसरा बैच। चेक किए हैं कैसे लग रहे हैं, अच्छे अच्छे हैं, मज़े के हैं, मैं देखूँ देखो वाकई बोला तो बन जाए सही। चलो ये भी डाल दें, पहला बैच पूरा दे दे, उधर दोहा भी है ना, तो फिर ज़्यादा चाहिए होंगे ना, जब तरह की लाल लाल रंग लगा हुआ है ये छुटकू सा बॉक्स। तो लाइट आ गई है, अच्छा मैं जलाती हूँ, चला ही नहीं है ये तो। ये हमारे जो है ना चेंज ओवर को पता नहीं क्या हो जाता है, आगे लाइट हमारे लगा, पता आप लोगों को भी। अंसा ये पुप्पो के घर दे और बेटा जल्दी करो, छुटकू सा कितना अच्छा लग रहा है ना और ये ना पुप्पो के घर दे आओ, लाइट वगैरह चला के जाना। पकौड़े मैंने सारे पहला बैच उनको दे दिया, है ही नहीं बहुत मजे के हैं, बाद में लेना आके। चलो ये अब आप लोग खा लो, इंतजार तो करना नहीं आपने ना, गरम गरम खा लो अपने बाबा का, चलो खा लो ले जाओ। ये रहे और आगे पकौड़े गरम गरम। अशस क्यों नहीं खा रहा, हम सब ना तंग करो बेटा, हम सब कैसे बने पकौड़े, मजे के है ना या नहीं। मैंने तो थोड़ा सा चेक किया, लेकिन मुझे तो बहुत मजे का लगा है, पढ़ा ना आपको बहुत मज़े के हैं ना वाकई। एक मैं लेके जाती हूँ अभी, और मैंने एक बैच डाला हुआ है, अभी एक बैच और बन जाएगा, मैं बनाती हूँ अभी, इसके बाद आई नहीं है तो फिर मैं बाद में खाती हूँ। तो सामान तो मैंने परात भर के ऐसे बनाया, वो ऑरेंज बॉल हो गया था छोटा पड़ रहा था, मैंने फिर ना बड़े वाले में ना परात में जो है ना उसमें मैंने फिर शिफ्ट कर लिया, तो फुल भर के थी। पकौड़े का सामान तो मैंने ऐसे बनाया कि जैसे मैंने ना
सेल करनी हो, मैंने ये कारोबार करना हो, मैंने ये दुकान डालनी हो। ऐसे ही लग रहा था। इसके अल्ट्रा लगाओ ना एक, ये बदतमीजी कर रहा है। देखी आई हूँ, ये ना हो कि गैस चली जाए, मैं जल्दी से ये बैच निकालूं और फिर एक बन जाएगा और, तो फिर हम करते हैं अपना कारोबार शुरू पकौड़ों का, जिस मैंने क्वांटिटी में फुल ये परात भर के बनी थी। तो जी बस यहीं पे वीडियो को मैं एंड करती हूँ, बाद में हम लोग बाद में खाएंगे, सुबह दोबारा मिलेंगे। बस आप लोगों ने भूलना नहीं है बिल्कुल भी, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें। सुबह दोबारा मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए प्यारे बहन भाइयों से अल्लाह हाफिज़।